गलती नहीं है फिर भी क्यों बोल रहा हूँ, पढ़ी पढ़ाने आएंगे क्या मैं? शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद हिंदुत्व को बाहर करो, कबर खुदेगी, कबर खुदेगी अनंतनाथ मुर्दाबाद मुर्दाबाद। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। राजस्थान की एक ऐसी शिक्षिका जो सरस्वती की जगह सावित्रीबाई फूले को ज्ञान की देवी मानती है, उसको निलंबित करने का मामला बीजेपी के गले की फांस बन चुका है। नेशनल जनमत ने पिछले वीडियो में ही यह आकलन किया था कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर अपने आकाओं को खुश करने के लिए हेमलता वैरवा के खिलाफ जो उत्पीड़नात्मक कार्रवाई कर रहे हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से फंस जाएगी। और हुआ भी यही, अभी तक जो मुद्दा महज राजस्थान के 12 जिले और उसके आसपास के कुछ जिलों तक चर्चित था, मदन दिलावर ने जैसे ही तर्कवादी, विज्ञानवादी और अंबेडकरवादी शिक्षिका हेमलता वैरवा को निलंबित करके तकरीबन 600 किलोमीटर दूर अटैच किया, वैसे ही यह मुद्दा पूरे देश में फैल गया। निलंबन से पहले केवल राजस्थान में पूछा जा रहा था कि सरस्वती का अगर कुछ शिक्षा में योगदान है तो बताओ, लेकिन निलंबन के बाद पूरे देश से आवाज आने लगी। और तो और, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर खुद दलित समाज से आते हैं, तो लोगों ने कहना शुरू किया, किसी पेड़ के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा ना होता। मदन दिलावर को बैकफुट पर आना पड़ा, मगर अपनी गलती को छुपाए कैसे, तो फिर से वही हिंदू मुस्लिम एजेंडा लेकर के आ गए। मदन दिलावर ने ताजा तरीन बयान दिया है कि अकबर को महान मत कहो, वो बलात्कारी था, सुंदर लड़कियों को पकड़ करके ले आता था, उनका रेप करता था। मतलब मामला अंबेडकरवादी दलित बनाम हिंदूवादी दलित का हो गया, तो मामले को हिंदू मुस्लिम रंग देने के लिए अकबर को बीच में लाना पड़ रहा है। इन सब के बावजूद बीजेपी के गले की हड्डी बन चुका है यह प्रकरण, क्योंकि लकड़ाई गांव के जिस उच्च प्राथमिक विद्यालय में हेमलता बैरवा शिक्षक थी, वहां के छात्र और छात्राओं ने भी गेट पर ताला जड़ते हुए प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इसमें बच्चों के अभिभावकों, गांव के अन्य लोगों और भीम आर्मी ने भी पुरजोर साथ दिया। टीचर गलती नहीं है फिर भी क्यों बोल रहा हूँ, बोलिए पढ़ाने आएंगे क्या मैं? शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद जब सरकार को मामला हाथ से फिसलता दिखा तो तानाशाही पर आ गई, महिलाओं और बच्चों पर भी लाठियां भांजी गई। कुल मिलाकर के साहसी शिक्षिका हेमलता बैरवा प्रकरण में दलित शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की जितनी कड़े शब्दों में निंदा होनी चाहिए, भर्त्सना होनी चाहिए, उतनी इस बात के लिए तारीफ भी होनी चाहिए कि गए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। मतलब चाहते थे शिक्षिका को प्रताड़ित करना, मगर मुद्दे को फिर से जिंदा कर दिया। लोग बढ़ चढ़ करके सवाल कर रहे हैं कि सावित्रीबाई फूले ने बालिका शिक्षा के लिए, विधवा महिलाओं के लिए ये काम किए थे, जरा सरस्वती का योगदान हो तो बताओ। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।